जब करीब 500 सालों से दिल्ली का तख्त राजपूतों और चौहानों के राज में फल फूल रहा था। पर एक दिन एक टर्किश राजा मोहम्मद घोरी की नजर इस आबाद शहर पर पड़ती है और फिर वो इसे हासिल करना ही अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लेता है। वो अपनी लाखों की सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, पर हमारे राजा उसे पूरी तरीके से हरा कर भगा देते हैं। पर ना तो वो जानते थे और ना ही पूरा देश ये जानता था कि मोहम्मद घोरी ही वो इंसान बनने वाला है जो भारत की इतिहास की रूख हमेशा के लिए बदल के रख देगा। वो फिर से एक और एक बार 1192 में दिल्ली में हमला करता है और इस बार टेरेन की लड़ाई में वो पृथ्वीराज चौहान से जीतकर दिल्ली को हासिल कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? और यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि आखिर पांडवा से लेकर मुगलों और मुगलों से लेकर मंगोल्स तक हर कोई दिल्ली के तख्त के पीठ पाने की चाह में एक बेटा अपने सगे बाप को मारने से भी नहीं कतराता। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक दिल्ली के तख्त पर 50 से भी ज्यादा अलग अलग राजवंश के राजा बैठ चुके हैं, कुछ धोखेबाजी से तो कुछ अपनों का खून बहा के। पर आखिर ये जुनून सिर्फ दिल्ली के लिए क्यों? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए डूबते हैं हमारे अतीत में।